एक ऐसा थिन एंड लाइट लैपटॉप जिसके प्राइस पॉइंट में सेकेंड हैंड स्विफ्ट तो देखो आई जाएगी। हाँ, प्राइस मैं नहीं बता रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट करना चेकआउट कर लेना। लेकिन ये जो लैपटॉप है ना, ये भाई प्रीमियम सेगमेंट लिनोवो का योगा स्लिम 9। और आप इस लैपटॉप की लुक्स देखो भाई, टोटल ग्लास की टॉप लिड है एंड इसके अंदर वेबकैम है, लेकिन वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता। और इसी वजह से वर्ल्ड का पहला लैपटॉप बन जाता है जिसका वेबकैम डिस्प्ले के अंदर है। ऊपर से इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 वी वाला प्रोसेसर है। मैंने कहा भाई साहब कुछ चीज ऐसी आई है, टेस्टिंग करनी तो बनती है। लिनोवो ने हमारे को भेज दी एंड यस, दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद लिनोवो एंड इंटेल। और मैंने कहा जरा हम टेस्ट करके देखे प्रीमियम मसाला। एंड इस लैपटॉप पे आपकी जैसी नजर पड़ेगी ना, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट इसकी टॉप लिड है भाई, पूरा ग्लास है और 2.5D कर्व्ड ग्लास है। और भाई लिनोवो क्लेम करता है भाई सुपर ड्यूरेबल ग्लास है। मेरा मन था इस पे कुछ ऐसे फेंक फूक के मारने का, लेकिन सुंदरता देख के मेरा मन हुआ नहीं। और जितनी सुंदर इसकी टॉप लिड लगती है ना, उतनी ही ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। जरा सा भी हाथ लगेगा एकदम से फिंगरप्रिंट दिखते हैं। तो अगर आपको चमकाना है किसी के सामने तो इसको चमका के रखना पड़ेगा, एक कपड़ा जेब में लेके घूमना भाई साहब। और बाकी जो कंप्लीट बॉडी है वो हमारे मेटल की मिलती है एंड कर्व्ड एजेस हैं, प्रॉपर योगा वाली वाइब्स हैं। और ये लैपटॉप सिर्फ 1.2 केजीज का है और साथ में इसका 65 वॉट का चार्जर भी इंक्लूड अगर आप कर लोगे तो 1.4 1.5 केजीज के आसपास ही है। और चार्जर वही है, अटैच्ड केबल वाला, डिटैचेबल केबल वाला आ जाना चाहिए। किसी केबल खराब हो तो चेंज वेंज करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और टॉप लिड फ्लेक्स बहुत माइनर सा है, कीबोर्ड फ्लेक्स भी ना के बराबर है। सिंगल हैंडेडली लिड आराम से ओपन हो जाती है एंड मैक्सिमम कुछ 140 डिग्रीज तक ये चला जाता है। वैसे अगर 180 डिग्रीज तक जाता तो ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है, टेबल वैसे रख के चलाने में काफी फील आती है। बट यस, अगर नॉर्मली आप लैपटॉप चला रहे हो ऐसे करके भी आप इसको यूज करो तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। और सेम इनटेक के वेंट्स हमारे को बॉटम में मिल जाएंगे, एग्जॉस्ट हमारे स्क्रीन के नीचे वाले कुछ एरिया पे है, बट इससे डिस्प्ले पे कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आता। और हां, तकनीकी बात है, इंटेल कोर अल्ट्रा 7258V प्रोसेसर मिलता है जो 8 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एंड अगर आपको समझना है थिन एंड लाइट लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर किस यूजर को किस तरीके से टारगेट करता है, तो अभी हमने ना एक थिन एंड लाइट लैपटॉप रिकमेंडेशन की वीडियो बनाई है, तो आप एक बार वो वाली वीडियो भी देख लेना। और लिनोवो योगा की डील्स भी अभी हमने पोस्ट करी है कुछ दिन पहले, तो वो भी एक बार देख लेना अगर आपका लिनोवो योगा लेने का मन बनता है। आई थिंक ये वाला लैपटॉप उन डील्स में नहीं है, बट स्टिल आप देख सकते हो। और ये वाला कौन लेने वाला है मुझे कमेंट करके बताना वीडियो के एंड तक, मजा तो पूरा आ रहा होगा। और जो इसका IGPU है, इंटेल आर्क 140V मिलता है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और साथ में NPU मिलता है 47 टॉप्स का। थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में NPU का ज्यादा रोल होता है कंपेयर टू अ गेमिंग लैपटॉप। AI टास्क तो हमारे उनके अंदर भी हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर AI टास्क आप कर सकते हो ऑन बैटरी विद मोर एफिशिएंसी, ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं करता NPU, बहुत ज्यादा लो पावर कंज्यूमिंग होता है, उसकी वजह से आपको बेटर बैटरी बैकअप भी मिलता है अगर लोकली मॉडल्स वगैरह आपको रन करने हैं तो। और 1TB Gen 4 SSD है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है और सिंगल ही SSD का स्लॉट है इसके अंदर। काफी छोटा और पतला लैपटॉप है तो ज्यादा कुछ अंदर है नहीं तामझाम। और अगर आपको अपग्रेड करना हो तो 2TB में स्वैप आप कर पाओगे। और 32GB LPDDR5X RAM है, 8533 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली ये सोल्डर्ड RAM है, 32GB है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, वैसे 32GB इज मोर देन इनफ। और कनेक्टिविटी में वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, MS Office 2024 कस्टमाइजेबल है। लिनोवो की वेबसाइट पे जाओगे ना, 2000 रुपीज का है, ऐड करना है नहीं करना है आप देख लेना, इतने पैसे खर्चोगे 2000 रुपए आपके लिए मैटर करेंगे क्या, मोटी पार्टी वालों का लैपटॉप है ये। और 3 मंथ्स का Xbox गेम पास आपको हर एक वो लैपटॉप के साथ मिल जाता है। एंड यस, इन थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में आप गेमिंग भी कर सकते हो। और ये लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। इंटेल ईवो जब लग जाता है ना ठप्पा, तो कुछ चीजें आपको लैपटॉप में मिलती है, जैसे 1 सेकंड से भी कम का स्क्रीन वेक टाइम, ऑल डे लॉन्ग बैटरी बैकअप, लेटेस्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सॉल्यूशन, टाइप सी फास्ट चार्जिंग, थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट और विंडोज हेलो का सपोर्ट, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो या फेस अनलॉक हो। और जैसे कि 47 टॉप्स के NPU के साथ आता है, तो ये लैपटॉप कोपायलट प्लस सर्टिफाइड भी हो जाता है। और कोपायलट प्लस सर्टिफिकेशन से ना बहुत ज्यादा AI रेडी मशीनरी हो जाती है आपकी। अब जब NPU है उसको हैंडल करने तो फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे क्लिक टू डू मिल जाता है, जो भी स्क्रीन पे एक डॉट टाइप आएगी विंडोज का बटन प्रेस करके रखते हैं ना जैसे, तो इंस्टेंटली आप कोई कॉपी कर सकते हो, समराइज वगैरह आप कर सकते हो। और रिकॉल फीचर मिल जाएगा, कुछ भी आप अपने सिस्टम पे करो आपका सिस्टम उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके रखता है और कुछ भी आपको याद है यार वो कहां देखा था, तो रिकॉल फीचर के थ्रू ढूंढ सकते हो कुछ ऐसी चीज जो बहुत अच्छी लगी हो देखने में और आपको फिर से देखने का मन करे। और कोपायलट प्लस विंडोज सर्च काफी इंप्रूव हो गया, आप कुछ भी प्रॉम्प्ट देते हो ना तो काफी पर्सनलाइज्ड आपको रिजल्ट मिलते हैं, जैसे आप कुछ भी डिस्क्राइब करोगे तो वो विंडोज की सेटिंग्स का रिकमेंडेशन देने लगता है। और उसके अलावा पेंट विद को क्रिएटर, जिसके अंदर आप कोई भी ऐसी अपनी एरी गेरी पेंटिंग को बढ़िया फाइन आर्ट में बदल सकते हो। AI ने सबको आर्टिस्ट बना दिया भाई साहब, आर्टिस्ट लोग फुल गाली दे रहे हैं। और आप स्टिकर्स भी बना सकते हो, जनरेटिव इरेज, जनरेटिव फिल, इमेज जनरेशन भी कर सकते हो। उसके लिए ऑफिस 365 का प्लान आपको चाहिए होगा, फ्री नहीं है। और जैसे कि NPU है तो कुछ फीचर्स
लोकली रन करते हैं एनपीयू पे, बाकी कुछ अभी ऑनलाइन चलते हैं, एंड फ्यूचर में चीजें लोकली ज्यादा रन करने लगेगी। और हाँ, लाइव कैप्शंस जो इनिशियली इतने अच्छे काम नहीं कर रहे थे विंडोज के ऊपर, अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे को 21 लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है, इवन रीजनल लैंग्वेज अगर आप हिंदी में भी कंटेंट देख रहे हो तो उसके भी लाइव कैप्शन जनरेट होते हैं। और अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सिनेमेंच R23 के नंबर आप देख सकते हो, 9000 प्लस मल्टी कोर, 1700 प्लस सिंगल कोर। सिनेमेंच 2024 के नंबर ये रहे, गीकबेंच 6 के नंबर मल्टी कोर सिंगल कोर के आप देख सकते हो। एंड ये लैपटॉप वैसे तो बहुत ज्यादा प्रीमियम यूजर्स को टारगेट करता है, जिनको एकदम ऐसे सीईओ लेवल और टेबल पे रख के काम करना कुछ है, तो वो सारे काम तो हो जाएंगे। इन केस अगर स्टूडेंट हो, रजवाड़े, कोडिंग वगैरह करने कर सकते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चला सकते हो, बिकॉज जो इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 वाले जो प्रोसेसर है ना, वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हैं, और डे टू डे टास्क में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। उसके अलावा 32GB रैम है, तो साइड बाय साइड बहुत सारे टैब्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस खोल लियो, उसके अंदर लैपटॉप बिल्कुल लैग वगैरह नहीं करता। और एआई की परफॉर्मेंस के लिए गीकबेंच 6 का एआई वाला बेंचमार्क हमने रन किया था, इसके नंबर्स आप सामने देख सकते हो। उसके अलावा डे टू डे टास्क के प्रोडक्टिविटी के लिए पीसी मार्क 10, जिसमें बढ़िया आपको 7000 के आसपास स्कोर मिल जाएगा, और क्रॉस मार्क का बेंचमार्क भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डे टू डे टास्क में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको एडिटिंग वगैरह करने का मन बनता है तो प्यूजेट बेंच फॉर फोटोशॉप हमने निकाला 7000 प्लस, फोटोशॉप चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी से बड़ी प्रोजेक्ट फाइल भी आराम से चला सकते हो। प्रीमियर प्रो 3200 प्लस, आफ्टर इफेक्ट्स 4600 प्लस, एंड डाविंची रिजॉल्व अराउंड 2500 प्लस। तो 1080p वाली आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, या 4K में अगर आपको रील्स वगैरह एडिट करनी है, थोड़ा टाइमलाइन लो रेजोल्यूशन पे अगर आप रेंडर कर लोगे, तो वो सब चीजें भी आप इस पे कर पाओगे। और आफ्टर इफेक्ट्स का तो सिर्फ हमने बेंचमार्क ऐसे निकाल दिया था, आफ्टर इफेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड जीपीयू वाला एक लैपटॉप लेना अगर आपका आफ्टर इफेक्ट्स चलाने का मन है, थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में वो नहीं हो पाता। बाकी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर चलाना है, अच्छे कलर गैमेट वाली डिस्प्ले है, कलर ग्रेडिंग वगैरह आपको करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए 3DMark TimeSpy, Geekbench 6 का OpenCL, VR Mark भी निकाला था, इतना सही स्कोर नहीं निकल गया 5300 के आसपास, तो VR गेमिंग तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। पर हाँ, iGPU के जैसे नंबर्स हैं, ये पहले हमारे को कभी 2050 कभी 3050 4GB के मिला करते थे, अभी एक iGPU की पावर इतनी हो चुकी है। और हाँ, विंडोज लैपटॉप बहुत लोगों के माइंड में आता है ना कि भाई बैटरी पे चला रहे हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती, चार्जिंग पे चलाएंगे तो बढ़िया मिलती है, बट ये इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 जो वी वाले प्रोसेसर है ना, इसके अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैटरी पे और चार्जिंग पे R23 हमने निकाला, बैटरी पे ज्यादा स्कोर निकल आया था। सेम 3DMark TimeSpy में अगर आप ग्राफिक स्कोर देखोगे तो इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो जो लैपटॉप का पावर ड्रॉ है, तो बैटरी पे भी आप उतने ही पावर के साथ काम कर सकते हो। स्टेबिलिटी टेस्ट भी करके देख रहे थे, प्राइम 95 एक घंटे के लिए चला के देखा था, तो मैक्सिमम 84 डिग्रीज तक या 81 डिग्रीज का एवरेज था, क्लॉक स्पीड्स भी 4.5 एंड 3.2 और मैक्सिमम 40 वॉट तक गया था एक बारी के लिए, बट 35 वॉट का एवरेज मेंटेन करके। तो जो कोर अल्ट्रा 7258V है ना, 35 वॉट पे मैक्सिमम चलता है और इसके अंदर भी सेम ही परफॉर्मेंस है और लैपटॉप क्रैश वगैरह नहीं हुआ। हाँ, अगर कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड कंपेटिटिव प्रोसेसर्स को जो इसी प्राइस पॉइंट के आसपास हमारे को मिलते हैं, तो पूरा ग्राफ है सिनेमेंच R23 का, आप चेक कर सकते हो आपको किसके अंदर कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। बट यहाँ पे मैं कहूंगा जो स्नैपड्रैगन वगैरह है ना, उससे आप कंपेयर ना करो, बिकॉज वो आर्म बेस्ड वाले लैपटॉप है, कंपेटेबिलिटी यू नो बहुत बार हम कवर कर चुके हैं, तो दोनों के नंबर्स और परफॉर्मेंस में डिफरेंस हमारे को मिल सकता है, बिकॉज आर्किटेक्चर डिफरेंट है। एंड इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 वी वाले आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देते हैं, जैसे हमने गेम टेस्ट करे थे iGPU पे, यही वाला जो iGPU इस लैपटॉप के अंदर है, और काफी बढ़िया FPS हमारे को मिले थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में गेम टेस्ट रखा भी नहीं, आप वो वाली वीडियो देख लेना, सेम ही है वो Lenovo Yoga Slim 7i और एडिशन है, ये Yoga 9 है, बस यहाँ पे लैपटॉप डिफरेंट है लेकिन परफॉर्मेंस सेम है। तो गेम टेस्ट के लिए ये वाली वीडियो आप रेफर कर सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और भाई 2025 ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, AI तो अब हर जगह ऐसे घुस चुका है, तो भाई लैपटॉप में भी अब AI इंटीग्रेशन Lenovo करके दे रहा है, जैसे Lenovo AI Now की एप्लीकेशन मिलेगी। अभी ये बीटा स्टेज के अंदर है, जिसके अंदर आप लोकली चैट कर सकते हो, बेसिकली नॉलेज असिस्टेंट है, और लोकल चैट में डॉक्यूमेंट वगैरह समराइज करा सकते हो, और अपने पीसी के बारे में कुछ पूछना हो वो पूछ लो। नॉलेज असिस्टेंट जैसे बता रहा था ना, कोई पीडीएफ डालोगे तो उस पीडीएफ की समरी वगैरह दे देगा, डॉक्यूमेंट कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो, लेकिन 2000 कैरेक्टर वाली ही पीडीएफ अभी ये रीड करता है, फ्यूचर में शायद ये लिमिट बढ़ सकती है। और ये GPT-4 मॉडल को यूज करता है, कुछ जगह क्लाउड पे काम करता है, कुछ जगह ये लोकली भी काम करता है, और फ्यूचर में ज्यादा लोकली हो जाएगा जितना मेरे को लगता है। और राइट साइड और लेफ्ट साइड में 2 थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट हमारे को मिल जाएंगे, यूएसबी PD 3.0 को सपोर्ट करते हैं, 65 वॉट की चार्जिंग, DP 2.1 यानी कि 4K 240 हर्ट्ज तक आपको आउटपुट मिल जाएगा, कोई भी यूएसबी टाइप ए पोर्ट नहीं है, भाई सब नहीं, अमीर लोग टाइप ए पोर्ट चलाते ही नहीं है, ऐसा Lenovo वालों को लगता है होना चाहिए था। वैसे हाँ, इसमें आप डोंगल सेलेक्ट कर सकते हो, जब आप ये लैपटॉप कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो यहाँ पे 2300 की आप डोंगल ऐड कर सकते हो, अगर आपको लैपटॉप के साथ लेनी है एक्स्ट्रा चीजें कनेक्ट करने के लिए, जिसमें यूएसबी ए, HDMI और ऑडियो वगैरह के पोर्ट मिल जाएंगे। वैसे ब्रांड को ये जो डोंगल है ना, ये बाय डिफॉल्ट बॉक्स में रखनी चाहिए थी, एडिशनल चार्ज नहीं होना चाहिए था स्पेसिफिकली इस टाइप के प्रीमियम लैपटॉप्स के लिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका जो भी हो कमेंट करके बताना। और भाई कीबोर्ड 14 इंच का लैपटॉप है, 10 कीलेस कीबोर्ड मिलेगा, प्रीमियम है भाई कीबोर्ड चलाने में, थोड़ी रबराइज्ड सा टेक्सचर फील होता है, और सिंगल कलर बैकलाइट
कीबोर्ड है, लाइट अच्छी दिखाई देती है, चार मोड्स हैं, बाकी दो लेवल्स हैं बैकलिट के, ऑटो पे भी आप रख सकते हो, आपका जैसा एनवायरमेंट होगा ना इसकी बैकलिट अपने आप कम ज्यादा हो जाएगी, और बैकलिट को आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। उसके अलावा 1.5 mm का की ट्रैवल है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस भाई बढ़िया रहता है। और राइट साइड में ना एक्स्ट्रा बटन्स हैं जिसके अंदर परफॉर्मेंस वाला बटन है, डिफरेंट ऑडियो मोड्स आप सेट कर सकते हो उस वाले बटन से, एंड आई प्रोटेक्शन का बटन है, एंड एक स्टार की भी है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, इस पर कुछ एक्शन वगैरह अगर असाइन करना हो। और यस, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो बढ़िया काम करता है, विंडोज हेलो का सपोर्ट। और ट्रैक पैड स्मॉल साइज का है, स्मूथ है, ग्लास ट्रैक पैड हमारे को मिलता है, और मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है, चलाने में प्रीमियम फील आती है। और भाई डिस्प्ले 14 इंचेस की Lenovo प्योर साइट प्रो ओएलईडी डिस्प्ले मिलती है विद 10-point मल्टी टच, और डिस्प्ले अगर आप देखोगे पूरी की पूरी डिस्प्ले दिखाई देती है, वेबकैम का बिंदु दिखाई ही नहीं देता, इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। उसके अलावा रेजोल्यूशन 4K WQUXGA 3840x2400 16:10 एस्पेक्ट रेशियो, 120Hz का रिफ्रेश रेट, और कलर गैमट बढ़िया 100% sRGB 100% DCI-P3, ब्राइटनेस हमने निकाली 400 nits की है स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे, और जब आप एक्सट्रीम लाइटिंग में इसको यूज करोगे तो इसकी ब्राइटनेस पुश होती है अप टू 600 nits तक, जैसे हम इसकी स्क्रीन पे लाइट मार रहे थे, और आप ध्यान से देखना आइकन्स के कलर चेंज होते हैं, ब्राइटनेस पुश होती हुई दिखती है, तो मतलब और ज्यादा ब्राइटनेस जा सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंट अगर आप आउटडोर वगैरह में यूज कर रहे हो। और डिस्प्ले वाइज सच में अच्छी खासी ब्राइट फील होती है, Delta E < 1 फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है, तो कलर ग्रेडिंग वगैरह का टास्क करने में कोई दिक्कत नहीं है, आईसेफ सर्टिफाइड 2.0, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 600 सर्टिफाइड है, यानी कि 600 nits तक जा सकते हैं HDR कंटेंट में, और हाँ HDR का सपोर्ट तो है ही। तो भाई डिस्प्ले बढ़िया क्वालिटी, रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया, आप कंटेंट वगैरह अगर आप इसके ऊपर देखोगे भाई स्वाद आ जाएगा, स्पेसिफिकली 4K कंटेंट अगर आप देखते हो, और टच वाली डिस्प्ले अगर आपको यूज करनी है कुछ इस तरीके से, आप चलाते हैं लैपटॉप में कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रीन पे कुछ आपको टैप वैप करना है, टच लैपटॉप जब लोगे चलाओगे ना तो आदत बन जाती है, अगर टच वाला लैपटॉप हो। हाँ 180 डिग्रीज तक जाता तो थोड़ा ज्यादा बेटर लगता, ये कुछ इतना 120 डिग्रीज तक ही जाता पीछे। और भाई वेबकैम, यहाँ पे वेबकैम जैसी आप ऑन करोगे तो स्क्रीन के उस पर्टिकुलर पोर्शन के जो पिक्सल्स हैं वो कुछ ऑफ हो जाते हैं, और उसके बाद वेबकैम नजर आता है, और ऊपर आपको ना लाइट भी मिल जाएगी जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ आपका वेबकैम ऑन है। और कुछ ऐसी वेबकैम की क्वालिटी है, 1080p 30fps वाला वेबकैम है, मेरे हिसाब से 1440p होता तो ज्यादा बेटर होता। यहाँ पे लाइट कंट्रोल वगैरह बढ़िया है, क्वालिटी कैसी है मेरे को बताना, मेरे को नॉर्मली वेबकैम से थोड़ी कम लगी, जिसके अंदर फिजिकली वेबकैम होता है, यहाँ पे पिक्सल्स के नीचे है ना तो आपको फील होगा जैसे पीछे लाइट है, ये देखो ये पिक्सल वाली फीलिंग दे रही है यहाँ पे। बाकी आपके जो थॉट्स है मेरे को बताना कमेंट करके, एंड यस माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। वैसे राइट साइड में हमारे को एक ई शटर बटन भी मिलता है, अगर आपको वेबकैम को ऑफ ही करके रखना है, कोई ऐप एक्सेस ही ना कर पाए तो फिजिकली उस बटन के थ्रू आप ऑफ भी कर सकते हो। और भाई Lenovo योगा सीरीज का लैपटॉप और स्पीकर अच्छे ना हो भाई, 3-3 वॉट के 2 वूफर्स मिलते हैं, 2-2 वॉट के 2 ट्वीटर्स मिलते हैं, एंड जो साउंड क्वालिटी है, हेडफोन लगा के एक सैंपल सुन के देखो भाई, प्रॉपर बेस दे रहा है लैपटॉप, इतनी लाउड आवाज आ रहा भाई, स्पीकर तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स मिलता है Lenovo योगा सीरीज लैपटॉप के अंदर, और साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, जो डॉल्बी एटमॉस इसके स्पीकर्स में भी फील देता है। डॉल्बी एक्सेस के ऐप में आपको डिफरेंट मोड्स वगैरह मिल जाएंगे, अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह भी यूज करोगे तो डेफिनेटली और ज्यादा स्वाद मिलेगा। और इतने छुटकू से लैपटॉप में 75 वाट आवर की बैटरी है, एंड हम इसको यूज करके देख रहे थे, लाइक 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, रेजोल्यूशन नेटिव रखा था 4K 120, स्पीकर 100% लाउडनेस पे छोड़ दिए थे, बेस्ट पावर एफिशिएंसी मोड लगा देता विंडोज में, और वेंटेज में बैटरी सेवर मोड लगा देता, ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो यही सब सेटिंग्स आप रखोगे, जिसमें हमने साइड बाय साइड एप्लीकेशंस खोली भाई, ब्राउजर चलाया, उसके अंदर भाई यूट्यूब चल रहा था, गाने चला के छोड़ दिए थे बैकग्राउंड में, अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स के आसपास का कंटिन्यूस में बैकअप मिला। आप इसको ऑन एंड ऑफ यूज करोगे डेफिनेटली एक दिन से ऊपर या उससे ज्यादा भी बैकअप निकाल सकते हो। बैटरी बैकअप के मामले में कोर अल्ट्रा सीरीज 2 जबरदस्त पावर एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, साथ में 75 वाट आवर की बैटरी है, यूज केस चेंज होगा तो बैटरी बैकअप भी चेंज हो सकता है। और 65 वाट का जो चार्जर आता है साथ में, उससे 60 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाता है, एंड फुल चार्ज होने में 2 आवर्स 30 मिनट्स के आसपास लगते हैं, जो कि ठीक ठाक टाइम है, ज्यादा फास्ट नहीं है। तो ये था Lenovo योगा स्लिम 9i का पूरा रिव्यू, एंड ये लैपटॉप 1,93,000 रुपीज का है, एंड इसकी टारगेट ऑडियंस भाई एकदम कंपनियों के मालिक या रजवाड़ी ऑडियंस, जिनको लैपटॉप एकदम भाई फ्लेक्सिंग के लिए भी चाहिए और अपना ऑफिस वाला काम करना है, टेबल पे रखा हुआ अच्छा लगना चाहिए, बहुत ही प्रीमियम यूजर्स को ये टारगेट करता है, जिसके अंदर आपको पोर्ट्स मिनिमल मिलते हैं, 1.2 kg का हल्का फुल्का सा वेट है, एंड जो ट्रैवल वगैरह ज्यादा करते हैं, एयरपोर्ट पे लेके बैठे हैं, कैफेज में लेके बैठे हैं, समझ रहे हो ना ऑडियंस टारगेट वाली। पता ना वैसे मेरे को कमेंट करके कौन इसकी ऑडियंस है, मैं देखना चाहता हूं ना भाई किस टाइप के लोग मेरी वीडियोस देखते भी हैं। बाकी आपको कैसा लगा लैपटॉप कमेंट करके बताओ, बाकी कंपैरिजन वगैरह ऐसा कुछ बनता नहीं है, बिकॉज ये लैपटॉप बहुत ही वन ऑफ अ काइंड है जैसा मेरे को लगता है। और बाकी आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, पहली बार सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।